रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी आज भी चर्चा का विषय है। इस लव स्टोरी की शुरुआत भी काफी ड्रामाटिक रही है। अमिताभ के संघर्ष के दिनों में रेखा ने एक फिल्म से ही उनको बाहर करवा दिया, लेकिन बाद में उनको ही अपने दिल में बसा बैठी। शुरुआत में जब अमिताभ एक स्ट्रगलर थे और रेखा एक सुपरस्टार, तब रेखा ने एक था चंदन एक थी सुधा नाम की फिल्म साइन की थी, जिसमें संघर्ष कर रहे अमिताभ को लिया गया था। इस फिल्म की कई दिनों की शूटिंग भी पूरी कर ली गई, लेकिन रेखा को अमिताभ जरा भी पसंद नहीं आए। अपने स्टारडम का लाभ उठाते हुए उन्होंने अमिताभ को फिल्म से ही बाहर करवा दिया। बाद में संजय खान को फिल्म में लिया गया। हालांकि बाद में ये भी खबरें आईं कि फ्लॉप अमिताभ को खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर राजी नहीं था, जिससे निर्देशक ने ही उनको फिल्म से आउट कर दिया। लेकिन इससे पहले ही अमिताभ की जंजीर हिट हो गई और बाद में आई रेखा संजय की ये फिल्म फ्लॉप। लेकिन इसके बाद रेखा और अमिताभ की सुपरहिट लव स्टोरी चल निकली, जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं।